गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और देखिए लगभग सिर्फ आपके पास यहाँ पे 12 घंटों का टाइम है क्योंकि कल सुबह 9 बजे आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको सेंटर पर एक घंटे पहले जाना है, मतलब आपको 8 बजे कल एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है। जी हाँ, तो सिर्फ 12 घंटों का टाइम है। इन 12 घंटों में देखिए अभी जो है आपका सेट ए का जो पेपर है मुझे मिला हुआ है, ठीक है। इसके पहले सेट बी, सेट सी और सेट डी का मैं ऑलरेडी आपको दे चुका था। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर सेट ए का भी बता दीजिए। सबसे पहले पूरा पेपर देख लें आप, सेट ए का पेपर है, ठीक है, 411 ए वाला पेपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये पेपर है, तो सबसे पहले मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए 411 ए वाला पूरा पेपर है, देखिए कुछ इस प्रकार से जो पेपर है सेट ए का आपका ये पेपर है, ठीक है। पूरा पेपर देख लें आप एक बार, फिर मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करूँगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा आपका पेपर है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर है, यहाँ पे देखिएगा। सो गाइस चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ। सो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को सूचना तो मिल ही गई होगी कि एक घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, ठीक है, लेट मत होना वरना एग्जाम देने नहीं मिलेगा। सबसे पहले जैसे ही पेपर आपको मिलता है यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना होगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना इसलिए अनिवार्य है कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे परेशान ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पेपर मिलेगा रोल नंबर फिल कर लेना। फिर देखिए कुछ निर्देश रहते हैं, सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है और सभी क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है पैसेज, तो पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है और नीचे जो ये पैसेज दिया गया है इसके हमें आंसर्स देने हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने से कोशिश करनी है इसके आंसर ढूंढने की। बाकी मेरा काम है आंसर्स भी बताना, तो मैं आपको आंसर्स भी बताते जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा अपना पैसेज है और इसके यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखना चाहते हैं और आपको चाहिए कि मुझे डायरेक्टली, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पूरी पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की, तो चलिए वो मैं आपको मोबाइल में डाउनलोड करके बता देता हूँ, ठीक है। मोबाइल में सबसे पहले क्रोम को ओपन करके आपको यहाँ पे लिखना होगा, देखिएगा क्लास टेंथ, देखिए क्लास टेंथ आपको क्या लिखना होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ एमपी बोर्ड सेट ए पेपर 2023। उसके आगे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पेज है जो अपने चैनल का नाम है, ठीक है। फिर आपको सर्च कर देना होगा, यहाँ पे आपको नीचे आना होगा। नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे देखिए एमपी बोर्ड क्लास टेंथ इंग्लिश सेट ए पेपर, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोड लेगा और जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा खुलने में टाइम लेता है, देखिए सेट ए का ये पेपर है जो कि आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से 411 ए वाला पूरा पेपर डला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से पेपर देख लेना और इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे आ जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड का बटन देखिएगा सफ़ेद कलर का, इस पर क्लिक करना होगा। अब मेन पॉइंट आप सुन लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड दिख रही होगी, उस पर क्लिक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसी के कारण हम आपको सॉल्यूशन दे पाते हैं। पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं देता है, तो यहाँ पर आप एक बार ऐड पर क्लिक कर देना जिससे हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है पीडीएफ आपकी बहुत ही आसान तरीके से आप देखिए यहाँ पर अंग्रेजी सेट ए वार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पैसेज को पढ़ लेंगे, ठीक है, और इसके आंसर स्वयं से ढूंढेंगे। बट आंसर्स मैं बता देता हूँ। पहला पैसेज का क्वेश्चन था हमारा इंदिरा गांधी लिव इन, इंदिरा गांधी कहाँ पे रहती हैं, तो ये रहती हैं आनंद भवन में, ठीक है, आनंद भवन में पैसेज के अनुसार रहती थी। इसके बाद है एट वाज एज, ठीक है, उनकी एज क्या थी, इंदिरा गांधी वांट गांधी आश्रम, मतलब गांधी आश्रम में कितने समय तक इंदिरा गांधी रही थी, तो वो रही थी 4 वर्षों तक, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला लगाना होगा। नेक्स्ट है आपका गांधी आश्रम वाज एट, मतलब गांधी जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर साबरमती में, तो ये आप सभी को पता होगा साबरमती में, ठीक है। इसके बाद हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी पे पैसेज है और वो यहां पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। व्हिच वर्ड, यहां पे पैसेज में जो ये वर्ड दिया गया है इसका हमें मीनिंग बताना था, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका ये मीनिंग हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए ये मीनिंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पैसेज दिया गया है, सेकंड आपको यहाँ पे पैसेज रीड कर लेना होगा, ठीक है, सेकंड पैसेज आप रीड कर लीजिए और यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप देखिएगा। तो पहले का जो आंसर है आपका देखिए हाउ मैनी स्पोक्स आर, देखिए जो सेकंड पैसेज है वो है अपना द नेशनल, ठीक है, नेशनल इशू वाला ये पैसेज है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है आपका देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24, सेकंड का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा द 4, ठीक है, द 4 वाला यहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट होगा जो कि आपका यहाँ पे थर्ड वाला जो इसमें दिया गया है द 4 क्वेरिस्ट, ठीक है, ये वाला।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, तो थर्ड का जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा प्लेयर, ठीक है प्लेयर एट, यहाँ पे देखिएगा प्लेयर एट सारनाथ, ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है प्लेयर एट सारनाथ वाला सेकंड वाला। इसके बाद देखिएगा दो क्वेश्चन और बचे थे, जैसे कि इसमें ब्लैंक में भरना था आपको, तो सारनाथ में कौन सा मंदिर है, तो लॉर्ड बुद्धा का मंदिर है, ठीक है सारनाथ वाला, जो ये ब्लैंक बचा हुआ था यहाँ पे देखिए ब्लैंक बचा हुआ था। इसके बाद नाउन हमें बताना था ग्रेट का, तो ग्रेटनेस इसका नाउन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थी आपकी नोट्स मेकिंग एंड समरी, ठीक है तो ये नोट्स मेकिंग समरी थी, इसमें टाइटल नोट्स और आपको यहाँ पे पूरा आंसर देना था, ठीक है। तो इसका देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है टाइटल ये हो जाएगा, नोट्स कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है ध्यान से देख लीजिए, टाइटल ये हो जाएगा, नोट्स कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे यहाँ पे देख लीजिए, तभी आपको संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा चौथा है अपना, चौथा क्वेश्चन आप देख लें यहाँ पे, ये पूरा आपको पढ़ना है, स्कॉलरशिप वाला क्वेश्चन है, ठीक है स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी। तो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, सो गाइस ये एप्लीकेशन देख लीजिए आप, फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है, रिगार्डिंग फॉर फी कंसेशन, ठीक है फी कंसेशन के लिए है कि मतलब मेरी फीस माफ करी जाए, पूरा वाइस फंड वाली एप्लीकेशन है, ठीक है तो ये पूरा पढ़ लेना और कुछ इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आप लिख लेना, ठीक है कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना। सो गाइस चलिए अपन आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, इसके पहले था आपका ऐसे, ठीक है ऐसे जो है आपका साइंस इन योर डेली लाइफ, ये मैं नहीं बताऊंगा बंडल ऑफ साइंस का ऐसे है, ये आपको खुद से करना होगा क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपसे आने ही चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का पेपर क्यों देने जा रहे हैं, आप खुद बताइए। बंडल ऑफ साइंस का जो निबंध है अपन कब से पढ़ रहे हैं, छठवीं से पढ़ रहे हैं, अभी अपन यहाँ पे टेंथ में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ दिया गया है हमें, पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ये प्रे कर रहा है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे 80 वर्ड में आंसर देना था, ठीक है पैराग्राफ जो दिया गया है। सो गाइस ये पैराग्राफ का आंसर देख लें आप, इंडिया से लेकर के यहाँ पे डेंसिटी तक ये पूरा पैराग्राफ का आंसर हो जाएगा, ठीक है इंडिया से लेकर के डेंसिटी तक, तो ये पैराग्राफ का आंसर देख लें आप। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद था आपका ग्रामर पोर्शन, ठीक है सेक्शन सी था आपका ग्रामर पोर्शन, तो ग्रामर पोर्शन में जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर्स मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, ठीक है सेक्शन सी जो था अपना ये था अपना ग्रामर पोर्शन वाला, तो यहाँ पे देखिए फिलिंदा विलिंग्स थे, तो देखिए पहला जो था इसमें लेफ्ट भरना था, देखिए पहले में लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है दूसरा जो था इसमें ए आएगा, दूसरा देखिएगा अब इसमें ए आ जाएगा, तीसरा जो था इसमें वेयर आएगा, ठीक है वेयर देखिएगा कुछ इस प्रकार से वेयर भरना था, चौथा जो था आप देखिएगा हैज बीन यहाँ पे क्लीनिंग, ठीक है हैज बीन क्लीनिंग, ठीक है हैज बीन क्लीनिंग, पांचवा जो था इसमें देखिएगा आइदर आएगा, ठीक है पांचवे में देखिएगा आइदर, और जो छठवा था इसमें देखिएगा बट आएगा, ठीक है छठवा में क्या आएगा बट, छठवा में बट, और जो सातवा था इसमें रूटीन आएगा, ठीक है सातवें में देखिएगा रूटीन आ जाएगा, ठीक है ये रूटीन यहाँ पे। इसके बाद थे आपके डुअर्स डायरेक्टेड, ठीक है डुअर्स डायरेक्टेड जो थे इसमें देखिएगा कोई पांच हमें करने थे, ठीक है कोई पांच करने थे, पहला जो दिया गया है यहाँ पे देखिए वाय का यूज करना था, तो वाय का यूज कुछ इस प्रकार से करेंगे वाय वाज पनिश्ड, ठीक है क्वेश्चन मतलब वाय का यूज करके क्वेश्चन बनाना था, तो पहला देख लिया। दूसरा जो दिया गया है इसमें देखिए नेगेटिव बनाना था, तो नेगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, आई डिड नॉट कट माई नील्स लास्ट यहाँ पे देखिए इवनिंग, ठीक है तो ये डिड नॉट जो लगा देंगे अपन इससे नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट था हमारा इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, डू लगा देंगे बस आगे, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, पूरा सेंटेंस वैसे की वैसे डू आगे लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगा करके अपन चेंज कर देंगे, ठीक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद था हमारा सो डेट का यूज करना था, तो देखिए ही इज ही वर्क सो, ठीक है ही वर्क सो हार्ड डेट, तो यहाँ पे ही वर्क के बाद सो आएगा और यहाँ पे हार्ड के बाद डेट आएगा, ठीक है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए विथ और बट का यूज करना था, ठीक है कम्बाइंड विथ एंड और बट का, ठीक है एंड और बट का यूज करना था, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये बट और एंड का यूज देख लीजिए, बट का ही इज ओल्ड बट ही वर्क हार्ड, ठीक है कुछ इस प्रकार से इसका करना था। इसके बाद लास्ट था आपका देखिएगा पैसिव वॉइस में चेंज करना था, ठीक है तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है कुछ इस प्रकार से आपका जो है पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद था आपका सेक्शन डी जिसमें कि देखिएगा कुछ इस प्रकार से पैसेज हमें दिया गया है, ठीक है सेक्शन डी में यहाँ पे पैसेज नहीं दिया गया, एक क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने थे, ठीक है तो इसका जो पहले का जो आंसर है आपका यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा सी नंबर वाला, देखिए ये सी नंबर वाला जो पहले का आंसर है ये आपको लगाना होगा, ठीक है पहले का सी नंबर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो दिया गया है देखिए दूसरा जो दिया गया है इसका ए नंबर वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है दूसरा जो दिया गया है इसका ए नंबर, तीसरा जो दिया गया है इसका भी ए नंबर वाला करेक्ट होगा, ठीक है तीसरा जो दिया गया इसका ए नंबर, चौथा जो दिया गया है इसका देखिएगा आपका सी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
हनी ठीक हॉनी ठीक है, ये जो है जो भी दिया गया सी नंबर वाला ये आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां, दसवां में देखिए पैसेज दिया गया है सेम वैसी वाला ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के यहाँ पे आंसर देने थे। तो दसवां का जो पहले का आंसर है वो देखिएगा आप यहाँ पे हो जाएगा नीलस मंडेला ठीक है, कुछ प्रकार से चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा ठीक है, दसवीं का चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसी में, इसी में देखिएगा नेक्स्ट आपका इसी में बी नंबर वाला जो दिया गया है इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिएगा पहले का जो आंसर इसका वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए जो है बी नंबर वाले का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा लव ठीक है, बी नंबर वाले का लव। और जो सी नंबर वाला है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिएगा और टेकिंग ठीक है, और टेकिंग वाला ही सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तब बी नंबर जो कि था पैसेज सेम, तो पैसेज में ए नंबर वाले का जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा एन ओल्ड वाला ठीक है, एन ओल्ड मैन वाला ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी में सेकंड देखिएगा, इसी में जो सेकंड अपना दिया गया है यहाँ पे देखिए सेकंड दिया गया है इसका जो सही आंसर है गॉड हो जाएगा ठीक है, गॉड। इसके बाद नेक्स्ट अपना सी नंबर वाला दिया गया है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टेक्स्ट ठीक है, इसका जो सही आंसर है टेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन आंसर ठीक है, क्वेश्चन आंसर थे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एक बार आप पढ़ लीजिए। कोई हमें यहाँ पे जो थे यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर है ठीक है। सो गाइस 11वें का जो पहला है देखिए रैन वाला क्वेश्चन दिया गया है हमें, रैन वाला ठीक है, रैन वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। तो सेम हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं आंसर दे दिए, तो यहाँ पे आप देखते जाइए। दूसरा है, दूसरा देखिए साउथ अफ्रीका वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, दूसरा जो साउथ अफ्रीका वाला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा नीचे दिया गया होगा साउथ अफ्रीका ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लें ठीक है। दूसरा, इसके बाद तीसरा जो है आपका यहाँ पे ग्रैंड मदर वाला क्वेश्चन है ठीक है, ग्रैंड मदर वाला ये पूरा आप देख लें ठीक है, ग्रैंड मदर वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करना था। चौथा जो है आपका यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था गोवा वाला, इसको देख लें आप। इसके बाद पांचवा जो दिया गया था यहाँ पे पांचवें का आंसर देख लें आप ठीक है, पांचवें का आंसर देख लें। इसके बाद छठवां जो दिया गया था इसका आंसर देख लें ठीक है, छठवां। फिर इसके बाद देखिएगा सातवां क्वेश्चन ठीक है, सातवें का भी आंसर मतलब हमने सभी कराए हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, सभी सातों क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे मैंने छोड़े नहीं है ठीक है। इसके बाद बारहवां क्वेश्चन जो दिया गया इसमें देखिएगा पहला जो है अपना यहाँ पे देखिए ये बारहवें का पहले का आंसर देखें आप, देखिए कुछ इस प्रकार से बारहवें का पहले का आंसर देख लें ठीक है, बारहवें का पहला देख लें। इसके बाद बारहवें का दूसरा देख लें आप ठीक है, बारहवें का दूसरे का आंसर देख लें ठीक है, बारहवें का दूसरा जो दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे ये पूरा आंसर दिया गया है यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, ये वेल्स वाला जो है पूरा आंसर आप देख लें एक बार यहाँ पे, ये पूरा बारहवें का दूसरे का ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं बारहवें का तीसरा देखेंगे। वैसे तो गाइस आपको बारहवें में दो करने थे बट मैं तीन दिखा दे रहा हूँ ठीक है, बारहवें का तीसरा है यहाँ पे देखिए पूरा आंसर दिया गया है ठीक है, बारहवें के तीसरे का ये पूरा आंसर आप एक बार देख लें, पूरा देखिएगा कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद देखिए तेरहवें का फर्स्ट, यहाँ पे देखिए तेरहवें का फर्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे व्हाट डैम वाला ही क्वेश्चन है ठीक है, व्हाट डैम वाला देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तेरहवें का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, टाइगर वाला जू वाला ही क्वेश्चन है ठीक है। तो तेरहवें का फर्स्ट का आंसर, तेरहवें के सेकंड का आंसर देख लें। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तेरहवें का थर्ड का आंसर देख लें ठीक है, तेरहवें का थर्ड का आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिएगा चौदहवा क्वेश्चन है ठीक है, तो चौदहवा जो दिया गया है इसका आंसर आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से, चौदहवें का आंसर आपको करना था ठीक है, चौदहवें का आंसर देखें यहाँ पे। इसके बाद है आपका पंद्रहवा क्वेश्चन ठीक है, तो पंद्रहवें का आंसर आप देख लीजिए जल्दी से, ये पंद्रहवा क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट है आपका सोलहवा ठीक है, लास्ट जो आपका दिया गया है ये लास्ट देखिएगा सोलहवा क्वेश्चन जिसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा पूरा का पूरा मैंने पेपर आपको बता दिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है जो आपके यहाँ पे कल आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, पूरे 75 नहीं तो आपके यहाँ पे 60 मार्क्स जो है वो पूरे पूरे आपके कवर हो जाएंगे ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF studynotespj.com से डाउनलोड कर लीजिए।